नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय, वेलकम टू द जूम। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। आज हम सीधा सब्जेक्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट है हाउ टू बी हेल्दी या बी हेल्दी। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले डिसीजन होता है। जो लोग इस सेमिनार में आए हैं उनका एक डिसीजन मेरे साथ पक्का है। हम एग्रीमेंट में हैं, वी वॉन्ट टू बी हेल्दी, हम हेल्दी रहना चाहते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप लोग मानोगे मेरे साथ, है ना, एग्री करोगे। तो कुछ लोग हैं जो हेल्दी होना ही नहीं चाहते। अगर उनको अच्छी एडवाइस दो, उनके कान, है ना, जैसे कान ते जू नहीं सरक दी ना दे, तो हम उनसे बात नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं हेल्दी होना। अब पहली चीज, किसी भी काम को करने से पहले डिसीजन आता है। डिसीजन के बाद कुछ किया जाता है, फिर वो चीज प्राप्त हो जाती है। दैट इज द थ्री वेज ऑफ डूइंग समथिंग। अब कई लोग बोलते हैं मैंने हेल्दी होना है ना, मगर वो हेल्दी होने के बाद, ये सोचने के बाद करते कुछ नहीं है। कई लोग ये डिसाइड ही नहीं करते मैंने हेल्दी होना है। अगर डिसीजन नहीं है तो कुछ नहीं होता। अब आपने, लेट से आपने डिसाइड किया कल सुबह उठ के मैंने 5 बजे सैर पे जाना है, ये डिसीजन है ना। सैर पे जाना चाहता हूँ डिसीजन नहीं है। मैंने कल सुबह 5 बजे सैर पे जाना है, डिसीजन है। फिर सुबह उठ के सैर पे जाना एक्चुअल में, वो उसके बाद पहले डिसाइड किया। ये नेक्स्ट स्टेप नोट कर लीजिए। किसी भी चीज कैसे होते, पहले आप कमिट करते हो, फिर आप करते हो, फिर आप चीज को प्राप्त कर लेते हो। ये बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। पहले चाह तो है ही है, चाह के बाद डिसीजन है, आपने डिसाइड करना है, कमिट करना है। वो एक चुटकुला है हमारा पंजाबी का, बहुत मशहूर है ना, पंजाबी में सुना के मजा आया ना मैनू, कि संता कहते हर रोज सवेरे ना उठ के 1 घंटा रब तो कहना होंगे, रबा लॉटरी लवा दे, रबा लॉटरी लवा दे हर रोज सुबह। सो 2-3 साल बाद ना रब नीचे आके थप्पड़ मारता उसके, वो कहता ये क्या हुआ भाई, कहता लॉटरी तो खरीद ले, अगर लॉटरी खरीदेगा लगवा भी दूंगा। सो डिसाइड, है ना, डू देन हैव, ये सिंपल स्टेप्स हैं। हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे। अब 90% लोगों को मेंटली मीडिया ने, जो आम हियर से कहते हैं ना, मिथ्स हैं, वो ये बताया जाता है कि आप तंदुरुस्त नहीं हो सकते। पहली चीज तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। आप ऑलमोस्ट 99.9 कंडीशन से रिवाइव कर सकते हो अगर आप सही नॉलेज, और सही नॉलेज को अप्लाई करोगे। तो ऐसे भी स्टेजेस हैं, लोगों ने स्टेज 4 कैंसर रिवर्स किया है। मेरे पास डॉक्टर्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ, जिनको मैं पढ़ता हूँ, जो स्टेज 4 कैंसर को रिवर्स कर चुके हैं, है ना। मैं हैरान हूँ कैसे किया, तो मुझे बड़े वो होती है। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सच में किडनी प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन देते हैं, है ना, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, डायलिसिस का केस है, रिवर्स कर लिया, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं हमेशा बोलता होता हूँ, जो ह्यूमन बॉडी जिससे रिकवर ना कर पाए, अनलेस या तो वो बूढ़ी बहुत हो गई है, या सर्जरीज बहुत हो चुकी हैं, कुछ रहा ही नहीं अंदर, या फिर के जो आबो हवा है ना ऐसी है, या जगह पे ऐसी है जहां पे, लेट्स से अगर पानी में यूरेनियम आ गया, हमारे पंजाब में एक बेल्ट है, वहां पे पानी में यूरेनियम की या मिट्टी में यूरेनियम की वो बढ़ गई है ना परसेंटेज, वहां पे कैंसर होने लग गया लोगों, तो वो एरिया ये सब प्रदूषित है ना, पोल्यूटेड है। कोई चीज ऐसी नहीं है मगर जिससे बॉडी अपने आप रिकवर ना कर पाए। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खतरनाक कंडीशन से रिकवर होते देखा है, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि ह्यूमन बॉडी कुछ भी हैंडल कर सकती है, लिटरली कुछ भी। मैंने अपने आप पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने बताया फैटी लिवर रिवर्स किया, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज एक ही चीज होती है, वो रिवर्स की। मैंने अपना हार्मोन इम्बैलेंस रिवर्स किया, मैंने अपना ओवर वेट ओबेसिटी, सबसे खतरनाक दिक्कत, वो रिवर्स की। मैंने अपने मदर के घुटने पड़ने थे, वो बच गए, है ना, सिस्टर का पीसीओडी पीसीओएस का काम हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो बच गया। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे केसेस में अमेजिंग रिजल्ट्स देखे, वो भी सिर्फ खाने में चेंजेस करके। तो क्या है, मैं जिज्ञासु हूँ, मुझे नॉलेज इकट्ठी करने की, मुझे हुड़ कहने पंजाबी कहने के, मुझे एक ही चीज की खो है कि और नॉलेज, अच्छी नॉलेज, करेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाए। अगर मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन कोई भी सोर्स से मिलती है, मैं उसको गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अकड़ में नहीं हूँ, इस चीज में कोई अकड़ नहीं है, गुरु बनाते हुए मैं डरता नहीं हूँ। अगर गुरु सही है ना और उसके पास सही नॉलेज है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज पहला टिप बड़ा आसान है, चीज बताता हूँ, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। जो हमारी जीभ है ना, ये सबसे ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। तो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जो दानेदार नमक नहीं होता, दानेदार, ठीक है, दानेदार है, ये पिसा हुआ नहीं है, जो
जो हमारा नमक हम निकालते हैं वो दानेदार नमक है। जिन लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंसी, थकावट रहती है ना, जो पसीना बहुत आता है, जिनको डायरिया जल्दी हो जाता है, जिनका बीपी लो रहता है, और जो वैसे ही अपना मिनरल्स और जो हम बोलते हैं एनर्जी ऊपर रखना चाहते हैं, ये नमक की ना दो चार दाने जीभ पे डाल के इसको सक करना है। सीधा पानी नहीं पी लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग विन है कि इसके दो तीन दाने लिए, जीभ पे रखे उनको, जैसे पंजाबी है खोरन दो, लेट देम डिजोल्व, क्योंकि जीभ हमारी सबसे तेज मिनरल्स या सॉल्ट एब्जॉर्ब करती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कितना आसान सा टिप है, और मैंने करके भी देखा। मैंने रिसेंटली फास्टिंग की थी तो उससे क्या हुआ, पानी डिप्लीट हो गया बॉडी से, तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, नमक की जरूरत होती है। तो जब मैंने टिप अपने आप पे अप्लाई किया, साथ के साथ है ना स्लाइवा वापस और मेरी एनर्जी वापस, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वाह, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। तो हेल्दी रहना ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव है ना ज्यादा मुश्किल है। हाँ थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो भी ज्यादा नहीं है। अगर खाना ही एक या दो बार है वो काम भी कम हो गया, खाना ही एक दो बार है तो पैसे भी कम हो गए, और जैसे जैसे आप टू मील्स या वन मील पे आ जाते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी नींद है ना, एनर्जी बढ़ जाती है, नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है, नींद इतनी ज्यादा ज्यादा बार लेने की जरूरत नहीं रहती। मुझे याद है कई बार मैं 4.5-5 घंटे सो के भी बिल्कुल रिफ्रेश उठता था। आई वाज सरप्राइज कि वाह यार मजा आ गया। किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो वेट कीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, है ना, आपका चैट में क्वेश्चन खो जाएगा। तो हमने हेल्दी होना है, उस हेल्थ के लिए हमें क्या समझना है, वो ऐसी कौन सी चीजें जो हमें अनहेल्दी बनाती है। सबसे पहली चीज जो हमें अनहेल्दी बनाती है वो है बार बार खाना। जितनी बार हम खाएंगे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स उतनी बार यूज होंगे। इमेजिन कीजिए आपने गाड़ी ली, मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं, गाड़ी रास्ते में एक बार बंद करके दिल्ली जाना चाहिए कि हर 3 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद फिर स्टार्ट, 3 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद फिर स्टार्ट, कौन सी केस में गाड़ी जल्दी खराब होगी? सिंपल सी बात है, जितनी बार स्टार्ट बंद स्टार्ट बंद स्टार्ट बंद करेंगे पेट्रोल भी ज्यादा यूज होगा, डीजल भी ज्यादा यूज होगा, और क्योंकि हम बैटरी पे, इंजन पे, स्पार्क प्लग्स पे लोड डाल रहे हैं वो जल्दी खराब होगी। तो सेम केस हमारी बॉडी के साथ है। अगर आप सिंपल सा लॉजिक समझे अनहेल्दी होने का, इमेजिन कीजिए आपने एक बादाम खाया, लेट्स से बड़ा अच्छी क्वालिटी का मामरा बादाम खाया, जी महंगा खाया था, ओके, आपकी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स ने काम किया? जॉ, उसके साथ थूक बनेगा सलाइवा ग्लैंड, उसके बाद स्टमक का एसिड काम करेगा इस पे, उसके बाद पैनक्रिया लिपेज बनाएगी, डाइजेस्टिव एंजाइम है, लिवर क्या बनाएगा, बाइल, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और गॉल ब्लैडर उसको पिचक के निकालेगा, उसके बाद आंतड़े उसको दोनों आंतड़े पचाएंगी। तो हर बार एक छोटी सी चीज खाने पे हमें 5, 6, 7, 8 बॉडी के मोटे मोटे अंगों ने, छोटे अंगों ने तो बहुत काम किया वो तो पता ही नहीं है, काम करना है। और हम क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, सुबह की चाय के साथ बिस्किट, नाश्ता, फिर ऑफिस वाली चाय, फिर लंच, फिर एक और ऑफिस वाली चाय, घर आके नाश्ता, डिनर, आइसक्रीम या दूध, 8 बार हम अपनी बॉडी को, और छोटी छोटी स्नैकिंग तो लोग गिनते नहीं है, मेरे को लोग बोलेंगे मैं तो खाती कुछ नहीं हूँ, मेरे को ज्यादातर लेडीज बोलेंगी मैं तो खाती कुछ नहीं हूँ, जब मैं इंटरव्यू लेता था 12 बार खा रहे हैं। अच्छा आप इसको फूड गिनते हो? बेटा रोटी छोड़ गया था, उसकी 2 बुरकियां बची थी मैं खा गई। मैंने कहा वाह, ये तो वो बात हुई कि मैं एक टी शर्ट बनाना चाहता हूँ रियली, कि स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन, लिटरली पीपल आर यूजिंग देयर स्टमक्स एज अ डस्टबिन, क्योंकि खाना ज्यादा रखा था सामने तो मैंने डाल लिया। अरे भाई ये तो वो बात होगी क्योंकि हमारे खुद का घर का पेट्रोल पंप है, हमने पेट्रोल सारी कार में डाल दिया, टंकी में तो डाला, कार के शीशे बंद करे कार में भी डाल दिया, अरे क्या होगा उससे, कोई फायदा होगा? नहीं, कार खराब हो जाएगी, फट भी सकती है। सो संयम, डिसिप्लिन, वन ऑफ द बेस्ट 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 थेरेपी इन द वर्ल्ड। एक पागल को और एक सही आदमी में क्या फर्क है? अगर आपको पूछे, पागल पे कोई संयम नहीं है, लोग उसे डरते हैं, उसको कुछ भी नहीं पता, कोई संयम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप किस स्टेज पे हैं वो देखना है। मैं संयम में बहुत विश्वास करता हूं, डिसिप्लिन हर एक चीज का है, बिजनेस का भी डिसिप्लिन है, लोगों की मदद करने का भी डिसिप्लिन है, लोगों को प्रोग्राम करवाने का डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो गाड़ी, जैसे सिंपल सी बात है, पटड़ी एक रेलगाड़ी का डिसिप्लिन है, जब उतरी लाखों लोग मर गए। तो अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, पहले तो आपको डिसिप्लिन पता होना चाहिए, फिर आप वही
डिसाइड डू एंड देन हैव दैट थिंग। तो सबसे पहले आप अपने आप पे डिसिप्लिन लगाते हैं कि मैं कल से 3 बार खाना खाऊंगा, मैं बीच बीच वाली स्नैकिंग छोड़ दूंगा। गुड, रविंदर बोलता है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए, अच्छा फैट खाना चाहिए। मैं कल से अपने आटे वाली रोटी को किसी और चीज से सब्लिमेट या चेंज कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं। करते 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 हम उस स्टेज पे आ सकते हैं जहां पे आप 1 मील अ डे कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह ब्रेव हैं या हमारी टीम की तरह ब्रेव है, आप लंबा फास्ट कर सकते हैं, 48 आवर्स का, 72 आवर्स का, और लंबा फास्ट कर सकते हैं। बट ये डिसीजन पहले है, क्या आप सच में हेल्दी होना चाहते हैं या आपको सिर्फ हेल्दी वाली बातें सुन के अच्छा लगता है। अब मेरे आप लोगों में से आप इस 21 लोग आप इस उस पे उस पे, अगर मैं सच में पूछूं कितने लोगों ने स्ट्रेस मसाज और लिवर मसाज की है, मेरे हिसाब से 10 बोलेंगे हाँ किए रविंदर, 21 बोलोगे सुनी है, हाँ बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर किए कि नहीं? नहीं की। क्यों नहीं की? मेरे पास टाइम नहीं होता। और सच में इंटरव्यू लेने बैठो, सारा दिन में किया क्या? आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, मगर झक बहुत मारी है दिन में, रील्स बड़ी देखी है ना, फेसबुक बहुत किया, इंस्टा बहुत किया, नहीं। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं आपको अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट हार्ड। मैं कोई इंफॉर्मेशन छुपाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, हमारा प्रोग्राम एक इंफॉर्मेशन का भंडार है, उसमें स्टेप्स हैं, वरना सारी इंफॉर्मेशन मेरी वीडियोस में पड़ी है। मेरे पास लोगों के काउंटलेस थैंक यू मैसेज आते हैं, उन्होंने मेरी वीडियो से एक टिप लिया, यूज किया, किसी ने IBS रिवर्स कर लिया, किसी ने ब्लड शुगर ठीक कर ली, किसी ने फैटी लिवर रिवर्स कर लिया है ना, किसी की आइट साइट इंप्रूव हो गई, किसी के बाल दोबारा आने लग गए। अरे भाई, हमने लॉजिक समझना है, ये बॉडी जीरो पे अपने आप को लाना जानती है, प्रोवाइडिंग जीरो मतलब रीसेट करना, आप गए हो पीछे 10, 20, 50, 100, इसको वापस लाना, इसको सब आता है। ये एक ही मशीन है दुनिया के में जो खुदा ने ऐसी बनाई है जो अपने आप को ठीक कर सकती है, प्रोवाइडिंग आप इसको सही फूड एनवायरनमेंट और सही तरीके से खाना शुरू कर दें। अब सबसे बड़ी गलती जो मैंने शुरू दोबारा करता हूँ, बार बार खाने से बॉडी वीर एंड टीयर होती है, घिसती है अंदर से, उसकी जो आप कैसे बोले उसकी म्याद होता, वर्ड होता है म्याद, किसी चीज की कब तक चलेगी, वो जितनी थी वो कम होती जा रही है। तभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी उम्र 42 साल के करीब है, मैं अपने साथ वाले लड़कों को देखता हूँ जो मेरे बराबर एज के हैं, और सच में मेरा दिल वो करता है उनको अंकल जी बोलने का, क्योंकि लगते हैं अंकल जी हैं वो, ऐसी क्या बात है, दे हैव यूज देयर इंटरनल बॉडी 10 टाइम्स मोर देन माई बॉडी। मैंने भी की थी, आपको अपने आज से अगर 9 साल पुरानी फोटो भेजो, आप बोलोगे रविंदर जी आप तो बहुत बूढ़े लग रहे हो यहाँ पे, लग रहा हूँ, ऑफकोर्स लग रहा हूँ, मेरा लिवर, मेरी पैनक्रियास, मेरी इंटेस्टाइन ओवर वर्क्ड थी, 24 घंटे 8 कप चाय, 2 चम्मच चीनी हर बार है ना, कोई मुझे कभी भी खाना पूछ ले हाँ है, कभी ना ही नहीं है, अगर शादी ब्याह पे चले गए ऐसे खा रहे हैं जैसे फूड देखा ही नहीं कभी, क्यों? नॉलेज नहीं थी। मगर जिस वक्त मेरे पास नॉलेज आ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई डिसीजन बनाना, मुझे हेल्दी होना है, मैंने गड़बड़ नहीं करनी, मैंने मेरी फैमिली में डायबिटीज है ना, मेरी फैमिली में फैटी लिवर भी है, मेरी फैमिली में घुट्टों की दिक्कत है ना, तो मुझे पता था उस वक्त मेडिकली, मैं ये जानता था ये जेनेटिक होती है, मुझे भी हो जाएंगी। अरे बाद में पता लगा कोई जेनेटिक नहीं है, मेरे गंदे काम मुझे बीमार बना सकते हैं, तो मैंने डिसीजन बनाया कि मैं हेल्दी होऊंगा, कोई किसी के साथ नहीं जाना, किसी के जाके कुछ नहीं करना, अपना डिसीजन है कि मैंने हेल्दी होना है। गुड, उसके बाद स्टेप्स हैं कुछ, मैं वो करूंगा, उसके बाद वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। हर एक चीज़ ऐसी होती है ना, कोई भी लाइफ का डिसीजन है, पहले डिसीजन होता है, देन यू वर्क फॉर इट, वर्क ऑन दैट डिसीजन, देन यू गेट दैट थिंग। तो मेरी और मेरी टीम की सारी कोशिश इसी चीज़ पे है कि हम अच्छी नॉलेज इकट्ठी करें ताकि लोग डिसाइड कर पाएं कि यार मुझे हेल्दी होना है और मैं हेल्दी हो सकता हूँ बिना डरे, बिना दवाइयों के चुंगल में फंसे या सर्जरीज में जाने के बिना। तो उसके बाद डिसीजन के बाद आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, वो स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खाना 3 बार से 2 बार 1 बार करना है, चाहे चीनी छोड़नी है, चाहे कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, चाहे अच्छा फैट कोकोनट ऑयल और देसी घी या आलमंड ऑयल यूज करना है, चाहे उसमें थोड़ी सी हर्ब्स लें जैसे अश्वगंधा, सॉरी जैसे सबसे पहले हमारा एप्पल साइडर हर मील से पहले डाइजेशन अच्छा करता है, चाहे बीटेन है, चाहे हमारा अश्वगंधा है, या कोई चीज़ें ऐसी हैं, वो बाद में स्टेप्स हैं टू अचीव दैट टारगेट। अगर आप अचीव टारगेट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं खींचूंगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो लोगों के क्वेश्चन आंसर करते करते आंसर और चीज़ों के वो भी बन जाएगी। प्लीज़ रेज योर हैंड
है ना, उसमें जूम में एक फंक्शन है हैंड रेज करने का, तो मैं एक एक क्वेश्चन ले लूंगा। एक क्वेश्चन पूछा है किसने, सर आपको ब्लड शुगर है क्या? नहीं, मुझे ब्लड शुगर होते होते रह गई क्योंकि मैंने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स कर ली थी ब्लड शुगर होने से पहले। थोड़े दिन पहले मेरे स्टेटस पे फोटो देखी होगी, मेरी ब्लड शुगर थी 59, जो कि डॉक्टरों के हिसाब से बहुत लो ब्लड शुगर है। वो मैंने कैसे की, मैं फास्टिंग करनी जानता हूँ। फास्टिंग करते ही ब्लड शुगर बिल्कुल ओके नॉर्मल हो जाती है और बिलो नॉर्मल लगती है, लोगों को नॉर्मल से बिलो लगती है। मगर मैं 59 पे, मैं जंप भी कर रहा था, मैं बाइसिकल भी चला के आऊँ 4 बार, है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा है चरणजीत सिंह जी ने। चरणजीत जी अनम्यूट करो प्लीज। अच्छा, सत श्रीकाल जी। सत श्री अकाल चरणजीत जी, कितों बोल रहे हो जी? आपां बोल रहे हैं जी मलेरकोटला पंजाब। ठीक है चरणजीत जी, पूछो क्वेश्चन। मेरे ना सर कन्ना दे विच खुजली बहुत होंदी रहिंदी है जी। कन्ना दे विच कन्ना दी बड़ी प्रॉब्लम है। कन्ना दे विच आवाजां भी आउंदियां ते खुजली बहुत होंदी है, खाज बहुत नजला होंदी है। नजला तो नहीं रहता, सुनो म्यूकस तो नहीं रहता था आपको? नहीं, नजरा नहीं होया जी कदे, नजरा नहीं हो रहा जी। मैंने ठीक है, आपको ईएनटी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? ईयर थोड़ी नोज कन्ना की थ्रोट? प्रॉब्लम आई थी पहले, मेरा ईयर दे विच हैगी, मेरा एक कन्न ब्लॉक आ। नहीं ठीक है, उसको कभी साफ करवाया? क्या ब्लॉकेज है, क्या दिक्कत है, कुछ बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कोई कुछ नहीं आया जी, ओ MRI कराई सी, CT स्कैन कराई सी, कुछ बोले बोले, नहीं आया सी। कदे बस सर्वाइकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ। ये चलता चलता एकदम ही बंद हो गया सी, एकदम ही 2018 च। ठीक है थोनू आवाज तो नहीं आती, टी बहुत तिखी जी आवाज आती है। ठीक आवाजा आउंदी है, आवाजा पहले तो बहुत ज्यादा आउंदी सी, मैं मेंटली तौर ते परेशान हो गया सी। ते अच्छा, उस तो बाद उन्होंने काफी ठीक आ हूँ, वैसे आवाज तो आती है शां शां की आवाज आती है। ठीक है, अगर थोड़े राइट ईयर च प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट ईयर च पूरे पिछे कान दे पिछे हर रोज मसाज करनी है, ते राइट ईयर च थोने कोकोनट ऑयल ना माड़ा है तुपका हर रोज बहुत थोड़ा जा पाना है, ये तो दोनों च पाना है, कोकोनट ऑयल दा बहुत बरीक जा तुपका, इधर भी फिर 10 मिनट पए रहे, फिर इधर भी 10 मिनट पए रहे, ते पुठे कन्न दी, इधर नहीं पुठे कन्न दी मसाज करनी है अंदरों पूरों अंदरों, बहुत हौली जोर के नहीं, ते तुसी कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी तो जल्दी छड़ने हैं, जिनी जल्दी छड़ सकते हो। ठीक है जी, ओके जी, किसी और का क्वेश्चन ठीक है हो जी। तो हाथ खड़ा कर ले प्लीज। इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस? माय फ्रेंड इसने क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस? माय फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिंस लास्ट 3 ईयर्स, बट देयर इज नो कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट। ओके, अब ब्रेन को खराब क्या करता है? आपने सबसे पहले रुपिंदर सिंह जी ये समझना है, ब्रेन को खराब क्या करता है? पार्किंसंस ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन में प्लैकिंग हो जाती है, वो प्लैकिंग होने से मेमोरी या फिर थरथराहट आ जाती है, नर्व्स डैमेज होने लग जाती हैं। ब्रेन को एक ही चीज डैमेज करती है, हाई ब्लड शुगर। किसी भी नर्व्स को कौन डेड करता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, हाई ब्लड शुगर। तो आपको ये समझना है, ये बहुत ही इजी रिवर्स करने वाली प्रॉब्लम है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, तो हम इसको पार्किंसंस को नहीं रिवर्स करना हमने, मैं इसको इजीली हेल्दी कर सकता हूं बंदे को, इजीली। अगर एज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, अब कई बार ऐसे होता है 80-90 साल या 70 से ऊपर बहुत बुरी कंडीशन है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग उसको बहुत कठोर हो जाते हैं, चेंज नहीं होते, वरना वेरी इजी टू रिवर्स। यू हैव टू ट्रीट इट एज एन इंसुलिन रेजिस्टेंस एज अ प्रॉब्लम, नॉट ट्रीट, यू हैव टू मेक इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम को ठीक है। ही इज 64, बड़े आसान से हो जाएगा केस। ये तो हमारे अंशु जी इसमें माहिर हैं, सिमी जी इसमें माहिर हैं, मगर इनको क्लोज सुपरविजन में प्रोग्राम करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, किसी और का क्वेश्चन है जी कोई? अगर उनको हाथ नहीं खड़ा करना था, अनम्यूट कर ले सीधा, जूम में अनम्यूट करें और क्वेश्चन मुझे दिख जाएगा, आप अनम्यूट करेंगे तो मुझे दिख जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसने क्वेश्चन पूछा है?
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, एक ਇੱਕ मिनट जी, ਮੇਰਾ एनी एनी ਇੱਕ एनी एनी ਸਵਾਲ तुसी ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਕਿ अनम्यूट ਮੈਨਾਂ करना, खड़ जाओ, वेट वेट वेट। नाभि में जलन क्या रीजन हो सकता है? नाभि में जलन, ड्राई स्किन, ड्राई एनवायरनमेंट है ना, और वैसे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप रात को ना थोड़ा सा आलमंड ऑयल, बहुत हल्का सा, एक या दो बूंद आलमंड ऑयल आप नाभि में डाल के सोया कीजिए, दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर। मेरे हिसाब से लगता है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रुपेंद्र सिंह जी अनम्यूट करो प्लीज। रुपेंद्र सिंह जी प्लीज अनम्यूट, आपने हाथ खड़ा किया है। हेलो, अनु जी नमस्कार, कहाँ? जी सर नमस्कार जी। सर मेरा ना मुंह पक्या हुआ रहंदा, पक्या हुआ मीन्स जिवें मैं कोई भी सब्जी खांदी जा मैं कोई गरम चाह पींदी जा कुछ भी, मेरे मुंह नो बहुत लगदी, बस अखां चो हंजू आन लग जांदे जी। ओके, कहाँ से आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रोपड़ पंजाब से, सर ठीक है आनंदपुर जी, साहिब। समझ गए समझ गया। हाँ जी जिंक, सर, मैनू थायराइड सुनो हुई है सुनो जी। सुनो सुनो, ना ना क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। पहली चीज थोड़ी चाहिए, जिंक सुपर कैल डी थ्री च जिंक है। जिंक मुंह के अंदर जिथे भी जी थुक दी लेर है वो दा राजा है जिंक। तो मैं थोनू अच्छा मैं दो तो तीन टैबलेट्स डेली लूंगा अगर थोड़ी कंडीशन हुई। दूजी चीज, थोने न्यूट्रिशनल ईस्ट बी कॉम्प्लेक्स दे करके भी मुंह छाले होने हैं। तीजी हाँ चीज, जी हाँ जी अगर गट च प्रॉब्लम होवे, आंतरा च प्रॉब्लम होवे, हाँ तां जी भी हाँ जी एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, दोनों चो कोई एक चीज, या एप्पल साइडर या ये बीटेन सर मैं हाइड्रोक्लोराइड। मंगवा ली थी अंकल ठीक है सर, जी, तो ये मंगाई। वेट करो वेट करो, मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। ए हो गया, ए हो गया, सुपर कैल डी थ्री हो गया। अच्छा हाँ, सोने ना कोकोनट ऑयल बढ़िया क्वालिटी का होवे, उसका 1 चम्मच मुंह में डाल के उसको स्क्विशिंग करनी है ना, और वो भी कम से कम 3 मिनट, दिन में 2 बार। आपकी प्रॉब्लम इन 4 चीजों से बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी, आप ट्राई करके देखिए। ठीक है जी, रुपिंदर सिंह जी अनम्यूट करो प्लीज। अगर किसी और को हाथ नहीं खड़ा करना आता, सीधा अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछ ले। एक चैट में मैसेज आया है, वाहेगुरु जी कार्ब्स एंड शुगर दोनों नहीं खाते, मेरे ईयर्स ठीक हो गए। वेरी गुड, देखो जी, एक ईयर से सुनाई, एक ईयर से वाह जी वाह। अंशु जी को थैंक यू बोला मैम ने, वीना टुटेजा जी ने, उनको ईयर्स में प्रॉब्लम थी, एक ईयर से सुनाई नहीं देता था, वो रिवर्स हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप ये आप अनम्यूट करके प्लीज बताइए, वीना जी अनम्यूट कीजिए अपना, तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगे कि कार्ब्स और शुगर छोड़ने से क्या होता है। सत श्री अकाल जी, किसने पूछा है कैन वी ड्रिंक ग्रीन टी विदाउट बीइंग हंग्री? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं ग्रीन टी, अगर हंगर है भी नहीं। ठीक है जी, गुमन जी ने पूछा है, हाँ जी मेरे बेटा 7 ईयर्स का है, उसके अस्थमे की प्रॉब्लम है, रात को डेली लेवन इनहेलर करना पड़ता है। अस्थमा पैरासिम्पेथेटिक ग्लैंड गड़बड़ होने से होता है। पैरासिम्पेथेटिक ग्लैंड क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक ऑन करता है एक ऑफ करता है, तो उसको सांस चढ़ना शुरू होता है, ऑफ नहीं होता, तो पैरासिम्पेथेटिक ग्लैंड को कौन हेल्प करता है? पहली चीज एप्पल साइडर विनेगर, सबसे ज्यादा उसको हेल्प करता है न्यूट्रिशनल ईस्ट, सबसे ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स B1, और उसको क्या हेल्प करता है, हमारा सुपर कैल D3। D3 हमारे एड्रिनल्स को शांत रखने में मदद करता है। एड्रिनल्स को और क्या चाहिए बहुत ज्यादा? विटामिन सी, एड्रिनल्स उसमें स्टोर होते हैं। और बच्चा है, मैं उसको क्या दूंगा? सुपर ब्रेन, क्योंकि 7 ईयर्स का है। और आप लंबी वॉक डेली, उसके कार्ब्स और शुगर कम कीजिए। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन अभी नहीं? रुपिंदर जी तुमने हाथ खड़ा कराया है, आई डोंट थिंक सो इज हेयर। किसी और का क्वेश्चन? वीना जी बोलो प्लीज, वीना जी टुटेजा जी रविंद्र जी थैंक यू। मोस्ट मेरे वेलकम ना जी। कान तो सुनाई नहीं देंदा से, जो मैं प्रोग्राम लेता अंशुल जी तो मेरे कान तो हम सुनाई देंदा है,
मेरी जीभ भी ठीक हो गई है, मेरे पैर एड़ी दर्द थी वो भी ठीक हो गया, काफी वाह प्रॉब्लम्स मुझे ठीक हो गई हैं। अच्छा ठीक मैं है, हूं भी 8 महीने हो गए, मैं कार्ब्स और शुगर नहीं लेंदी, वेरी टू गुड। टाइम से मिल खा रही हूँ, अच्छा ये काफी ठीक हूँ बताइए मैं। 72 थोड़ी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है? 72 गुड, मैंने जान के पूछा, मुझे तो आपकी एज पता है, मगर मैं चाहता था लोगों को पता लगे। देखो 72 ईयर्स के हैं मीना जी, इन्होंने मुझसे बात की थी, हमने इनको अंशु जी से प्रोग्राम करवाया था 2 महीने का। मीना जी ने, है बहुत ना, अभी तो ये सिर्फ दो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इनको बहुत सारी और दिक्कतें थी जो सॉल्व हो गई सारी थी। सिर्फ जी। और ये देखो ना, मोटिवेशन है, मैंने जान के आपको बुलवाया कि सिर्फ मैसेज मैंने पढ़ लिया उसके, उसमें वो मजा नहीं है कि लोगों को पता लगे कि हेल्दी हो सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, हाँ किसी जी भी एज में डिसीजन बनाना है, पहले हेल्दी होने का डिसीजन, उसके बाद हेल्दी होने के स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं और मेरी टीम जानते हैं। बस एक कस्टमर आ गया, वो अभी आप बता रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक ओके यू जी, हाँ थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम वीना जी। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, कहाँ से आप? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ सर। जी नीलम जी पूछिए सर मुझे ना सोराइसिस है पहले, जी। उसके बाद सोराइटिक अर्थराइटिस हो गया, और मुझे नीज में और बैक में, नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बैक में भी है, और थोड़ा बीपी हाई रहता है। मैम सारे सिम्टम्स आप लिवर के बता रहे हो, सारे सिम्टम्स, जी स्किन जी कंडीशन सर, है ना, घुटनों में हाँ पेन और बीपी, ये तीनों जी लिवर के सिम्टम्स हैं। आपको कभी कभी खट्टे डकार आते थे या आते रहे होंगे पास में, राइट शोल्डर में पेन होगी, आंखों में लाली या पीलापन, बाल पतले या झड़ने लग गए, डाइजेशन इश्यूज, ये बाल बहुत सब, ज्यादा गिरते हैं। हाँ हाँ ये सारे जी इकट्ठे चलते हैं, तो मेरा एक लिवर का प्रोटोकॉल है। मगर नीलम जी अगर आपको दिक्कत नहीं है, आप हमारा 2 महीने का प्रोग्राम लीजिए, हमारे पास दो प्रोग्राम है लिवर के लिए। एक तो 2 मंथ्स जी का हेल्थ कोचिंग, जिसमें एक कोच जैसे कि हमारे नीरू जी या सिमी जी या अंशु जी या मेरे वाइफ या कोई भी आपको कोच करता है डेली। जी दूसरा तरीका एक मेरा लिवर जी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें वीडियोस हैं, मेरी 18 वीडियोस हैं बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड की हुई हैं, जिसमें मैंने बताया क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कितना लेना है, सब कुछ। उसमें 1-to-1 कोचिंग नहीं होती, मगर आपको इन दोनों में से एक जी चीज लेनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वैसे आपको पता सर, है मेरे लिवर का प्रोटोकॉल क्या है, मैं क्या लेता हूँ हाँ लिवर के लिए, जी लोगों को क्या देता हूँ, सबसे पहले अश्वगंधा, दूसरा मेरा जी फेवरेट मिल्क थिसल, तीसरा लिवर में हमेशा चाहिए बॉडी को सुपर कैल D3, तभी D3 कम हो जाता है लिवर के केस में, चौथा लिवर में हम क्या करते हैं, एप्पल साइडर या B10 हाइड्रोक्लोराइड, दोनों में से कोई एक चीज, और लिवर को ठीक क्या है चाहिए होता सर, है, वाइटामिन सी। उसके बाद दो चीजें मैं हर केस में यूज करता हूँ, पोटेशियम सिट्रेट जो फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जादू है, और न्यूट्रिशनल ईस्ट। ऑफ कोर्स आपको मैं वो भी कहूंगा, लिवर में ना ऑयल्स, बेस्ट ऑयल लिवर के लिए कोकोनट ऑयल, इसमें एक ऐसा एंजाइम है जो लिवर को रिवर्स करने की शक्ति रखता है, फैटी लिवर से रिवर्स करने की। तो आप मेरा सच में, जो आप सिरासिस है ना, आपको मूंगफली नहीं खानी हाँ चाहिए जिंदगी में बिल्कुल भी, आपको कॉर्न जिसको ठीक है मक्की जी, बोलते हैं वो नहीं खानी चाहिए, मगर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मुझे समझना पड़ेगा आप क्या क्या खा रहे हैं, फिर उसको हाँ निकालना जी पड़ेगा। तो अगर आप ठीक इंटरेस्टेड है, हैं, आप सिमी जी को या मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप 2 महीने का प्रोग्राम लीजिए प्लीज, क्योंकि ये कंडीशन बढ़ गई, ये बढ़ती बढ़ती आपको क्या करेंगे डॉक्टर, आपको लगा देंगे स्टीरॉयड्स पे, उनके पास कोई इलाज नहीं है इसका। जी स्टीरॉयड क्या हाँ करेगा, जी हाँ उसको दबा देगा और वो दुगनी होकर निकलेगी, फिर और स्टीरॉयड लो, फिर हाँ और स्टीरॉयड लो, नहीं ऐसा कोई सोल्यूशन अच्छा नहीं है, हम तंदुरुस्त होंगे घर के खाने से। ठीक है जी, थैंक यू, ठीक ओके है जी, थैंक यू सर। हाँ जी। गगनजीत जी, गगनजीत कौर जी पूछिए। गगनजीत जी हैं, किसी और का क्वेश्चन है जी, अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ओके जी, चरणजीत जी देखो और क्वेश्चन है जी, अनम्यूट करो चरणजीत जी, पूछ लो। हाँ जी सर, एक बच्चा जी अपने रिश्तेदारी जी, 14 14 साल का जी बच्चा, उन्होंने ना 2 साल दे नूं दौरे पैण लग गए सी, ब्रेन का दौरा पैंदा 2 मिंट वास्ते ना बेहोशी चले जाता, तो 12 साल तो मतलब दवाई चल रही, हूँ 14 साल का हो चुका, पर दवाइयां नहीं बंद हो रही, वैसे तो दौरा तो लगभग साल हो गया पिया नहीं जी हूँ, पर दवाइयां नहीं बंद हो रही, वास्ते ना आप की दे सकते हैं जी? पहली चीज़ यही बेस्ट हो गई बच्चे लिए,
ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਈਸਟ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲੀਪਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਪੁੱਛ ਹੈ। ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਈ ਜਾਏਗਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਹਾਂ ਕਦਾਰ, ਸੇ ਆਪ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੈਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜੇ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਜਿਹੀ ਟੇਸਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਡਰੀਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਉਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪਕੀ ਏੜੀ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਤੀਖਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਬ ਪੈਰ ਕੇ ਊਪਰ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਕੇ ਊਪਰ, ਉਸੀ ਪੈਰ ਕੇ ਊਪਰ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਮੇਂ, ਸੈਂਟਰ ਮੇਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਹਾਂ ਦਰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਕੀ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਦਬਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੈਰ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਦਬਾਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਦਰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਨ ਕੇ, ਉਸ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਨਾਭੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਤਾਏ ਹੈਂ, ਵੋ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਰੀਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਨੈਟਲ ਰੂਟ। ਦੋ ਚੀਜ਼ੇ ਔਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਈਸਟ ਔਰ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਿਟ੍ਰੇਟ। ਆਪਕਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾ? ਸਰ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲੇਤੇ, ਨਿਊ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲੀਜੀਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਵੋ ਘੁਟਨੋ ਔਰ ਬੈਕ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਜੋ ਏਡੀ ਕਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੋ ਐਡਰੀਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਿਸੀ ਔਰ ਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੋ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਟ ਪੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਸਰ ਕੈਨ ਸੁਪਰ ਕੈਲ D3 ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੋਰ ਮੰਥਸ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਟਮਿਨ D3 ਹਮੇ ਕਭੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਲਓ ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਖਾਤੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਤਾ ਹੂੰ, ਵਰਨਾ ਵਾਈਟਮਿਨ D3 ਕਭੀ ਵੀ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਜਬ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਮੈਂ 2 ਸੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਕੋ 1 ਸੇ 2 ਗੋਲੀ ਆਪ ਡੇਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਭੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਚੈਟ ਮੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ? ਫੋਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਬੀ ਹੈਲਦੀ। ਇੱਕ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਸਰ ਬੈਕ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀ ਪੇਨ, ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਪਕਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਸੰਤ ਕਤਾ ਹੈ ਕਿਆ, ਬੈਕ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਕਾ ਨੀ ਪੇਨ ਬੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਅੱਛਾ, ਬੜ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਏਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਘੋਂ ਮੇਂ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਸ਼ਾ ਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹਰਸ਼ਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਮਿਨਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਵਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਬੀ ਹੈਲਦੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਦੀ, ਦੈਨ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਮੇਕ ਯੂ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਸਟੋਪ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਮੇਕ ਯੂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਯੇ ਮੈਂ ਅਬ ਡਾਲ ਕੇ ਸਬਕੋ ਲਿੰਕ ਭੇਜੂੰਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ, ਸੋ ਇਸਕੋ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੇ ਮੇਂ, ਵੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਔਲਰਾਈਟ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ